17वीं लोकसभा के लिए चुनाव प्रचार थम चुका है। इस बार प्रचार में नेताओं ने काफी पसीना बहाया, शहर शहर घूमकर अपनी धाक जमाने की कोशिश की। जहां बीजेपी ने खामियों को छिपाकर केवल खूबियों का बखान किया, तो वहीं कांग्रेस ने वादे और दावों से नए नए दांव लगाए। कुल मिलाकर 2 महीने लंबा चला चुनाव प्रचार काफी जबरदस्त था। ये प्रचार जहां नेताओं को सत्ता तक पहुंचाने के लिए अहम था, तो वहीं दूसरी तरफ इसी प्रचार के जरिए नेताओं को बदनाम करने की भी खूब कोशिश हो रही है। जी हां, सोशल मीडिया पर नेताओं के बयान को इस तरह से तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है कि अर्थ का अनर्थ निकल कर सामने आ रहा है। ना केवल शब्दों का हेर फेर है, बल्कि पूरे बयान के साथ ही छेड़छाड़ हो रही है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की एक रैली में दिए गए अभिनंदन भाषण को ऐसा मरोड़ा गया कि सीएम का नाम ही बदल दिया गया। तो कौन से भाषण से हुई छेड़छाड़, किस सीएम के सहारे किया गया राहुल को बदनाम, आइए सबसे पहले उसे ही सुन लेते हैं। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल जी, छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर हुकुम सिंह कराड़ा जी। इस वीडियो को सुनकर आप भी हैरान होंगे, आपके मन में भी सवाल उठेंगे कि आखिर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के सीएम को कब बदल दिया गया? कैसे भूपेश बघेल मध्य प्रदेश के सीएम और हुकुम सिंह कराड़ा छत्तीसगढ़ के सीएम बन गए? क्या राहुल चुनावी बौखलाहट में इन दोनों राज्यों के सीएम का नाम भूल गए? अगर आप इस वीडियो को हकीकत मान रहे हैं तो ये गलत है। हमने अपनी पड़ताल में पाया है कि इस वीडियो के साथ छेड़छाड़ की गई है। असल में 14 मई को मध्य प्रदेश के नीमच जिले में राहुल गांधी की एक सभा हुई थी, जिसमें उन्होंने कांग्रेस पार्टी के नेताओं का अभिनंदन किया था। इसी सभा में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सीएम भी मौजूद थे। जब राहुल ने उनका नाम लिया तो बीच में थोड़ा रुक गए, बस इसी का फायदा उठाकर वीडियो को एडिट किया गया। हकीकत में राहुल ने कुछ ऐसा बोला ही नहीं था। तो एक बार फिर साफ हो गया कि चुनाव में ना सिर्फ नेता एक दूसरे पर तीखे तीर चला रहे हैं, बल्कि सोशल मीडिया पर भी कुछ लोग नेताओं के बयानों को तोड़ मरोड़ कर नया संग्राम छेड़ते हैं। वैसे संग्राम तो इस वक्त पश्चिम बंगाल की घटना को लेकर भी मचा है। सियासी दौड़ में नेता इतने आगे निकल गए हैं कि हंगामे और विवाद को भी चुनाव में घसीट लिया, लेकिन विवाद को सोशल मीडिया पर जारी झूठी तस्वीरों ने और हवा दे दी। दरअसल सोशल मीडिया पर 2 तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जिसमें दावा किया जा रहा है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बंगाल में बवाल मचाया, हाथों में पत्थर लेकर लोगों को नुकसान पहुंचाया। फेसबुक पेज पोल खोल ने ये तस्वीरें पोस्ट करते हुए लिखा कि ये हैं भाजपा के सीधे साधे भोले भाले कार्यकर्ता, जो एक स्वच्छ छवि वाले नेता अमित शाह के इशारे पर शांतिपूर्ण तरीके से बंगाल में रोड शो कर रहे हैं। इस तस्वीर में जहां एक व्यक्ति डंडे से ट्रक के सामने शीशा तोड़ता नजर आ रहा है, वहीं दूसरा व्यक्ति हाथ में बीजेपी का झंडा लेकर खड़ा है। लेकिन जब हमने इसी दावे की पड़ताल की तो ये झूठा साबित हुआ। असल में वायरल हो रही ये तस्वीरें ना केवल कई साल पुरानी हैं, बल्कि इनका बंगाल से कोई लेना देना है ही नहीं। इन तस्वीरों के साथ भी छेड़छाड़ की गई है। ये तस्वीरें साल 2012 में झारखंड के जमशेदपुर में खींची गई थी। उस समय पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने के विरोध में तत्कालीन यूपीए सरकार के खिलाफ भारत बंद के दौरान प्रदर्शन किया गया था। हिंदुस्तान टाइम्स की वेबसाइट पर 31 मई 2012 को प्रकाशित हुई फोटो स्टोरी में ये तस्वीरें शामिल है। इसके कैप्शन में लिखा गया है कि भारत बंद के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गाड़ी में तोड़फोड़ की। इन तस्वीरों से साफ हो गया है कि एक और झूठे दावे से राजनीति के साथ साथ देश में हंगामा मचाने की कोशिश की जा रही है, बीजेपी को फंसाने का जाल बुना जा रहा है। एक तरफ कांग्रेस अध्यक्ष को बदनाम करने की कोशिश, तो दूसरी तरफ निशाने पर बीजेपी अध्यक्ष यानी सोशल मीडिया पर झूठ फैलाने वालों ने किसी को भी नहीं बख्शा है। लेकिन आपको जरूरत है इस झूठे जाल से बचने की, सच और झूठ को पहचानने की। डीबी लाइव हमेशा आपको इस हकीकत से रूबरू कराता रहा है और आगे भी कराता रहेगा। धन्यवाद।